दोस्तों गुड मॉर्निंग, मैं जुहैब अहमद हैदराबाद अवध से। देखिए स्टेशन के बाहर हूँ और आज ट्रेन का उद्घाटन होना है सीतापुर से लखनऊ के बीच। लेकिन ये ट्रेन हैदराबाद से लखनऊ के बीच में जाएगी। दोस्तों देख लीजिए, काफ़ी सिक्योरिटी और गाड़ियाँ वगैरह खड़ी हुई हैं। उद्घाटन में बहुत से लोग आए हुए हैं। दोस्तों अभी अंदर जाके मैं आपको समारोह स्थल की कुछ वीडियो दिखाऊंगा, फिर हो सकता है मैं इसी वीडियो में आपको जिस ट्रेन का उद्घाटन किया जाना है, जो पहले चलेगी, मैं उसका भी इसी वीडियो में दिखाऊंगा या उसका अलग से एक नया वीडियो डालूंगा। कोशिश मेरी यही रहेगी कि इसी वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। दोस्तों ये देखिए, ये खैराबाद से पैसेंजर ट्रेनों की टाइम टेबल है। इसमें एक्सप्रेस ट्रेन का जिक्र नहीं है क्योंकि उस एक्सप्रेस ट्रेन का यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा। और ये देखिए विभिन्न स्टेशनों का किराया, बहुत से कम स्टेशनों का किराया सूची दी गई है। ये देखिए दोस्तों, मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और ये देखिए उधर साइड में समारोह स्थल पर कुर्सियां पड़ी हुई हैं जहां पे मेहमान आए हुए हैं। और चूंकि रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी को भी यहां आना है और लगभग 12:30 और 1 बजे के करीब में वो यहां पे ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये कार्ड बांटा गया है सभी लोगों को, जो आम आदमी है उनको भी और जो बड़े आदमी है उनको भी। और ये देखिए सीतापुर और खैराबाद के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ है। देखिए दोस्तों ये देखिए लखनऊ की तरफ रूट जाता हुआ, ओवर ब्रिज से कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है। और ये देखिए दोस्तों, ये सीतापुर की तरफ रोड जाता हुआ, ये देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3, बहुत ही ऐतिहासिक पल है ये, दिव्यांगों के लिए रास्ता। और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर देखिए ट्रैक, ये रखे दोस्तों समारोह स्थल में कुर्सियां लगाई गई हैं, मेहमान आकर बैठेंगे। ये रखे दोस्तों, खैराबाद अवध का पूरा नक्शा ही बदल गया है, बहुत ही खूबसूरत स्टेशन बनाया गया है। एक चीज की कमी है दोस्तों, टेन शेड की लंबाई बहुत कम है। जिस हिसाब से प्लेटफॉर्म बनाया गया है, 3 शेड की लंबाई बहुत कम है। ये देखिए दोस्तों, प्लेटफॉर्म नंबर 2 व 3 लो लेवल के प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जबकि प्लेटफॉर्म नंबर 1 हाई लेवल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। लो लेवल हाई लेवल मतलब कि जो लो लेवल की ऊंचाई है वो 450 मिलीमीटर और हाई लेवल की जो ऊंचाई है शायद 850 मिलीमीटर। दोस्तों देखिए, काफ़ी व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं, जगह जगह पे पुलिस भी मुस्तैद है, खड़ी हुई है, फायर ब्रिगेड भी है और काफ़ी चहल पहल है स्टेशन पे। चहल पहल हो भी क्यों ना, क्योंकि ऐतिहासिक दिन है, लगभग 2.5 साल से भी ज़्यादा समय के बाद इस ट्रैक पे ट्रेन दौड़ेगी। ये देखिए दोस्तों, अभी सामने आगे से बहुत भीड़ हो रही है, लेकिन अभी चूंकि कुर्सियां बहुत सी खाली भी हैं, अभी समय नहीं हुआ है और जैसे जैसे समय नज़दीक आता जाएगा ये कुर्सियां जो खाली पड़ी हैं
ये भी भारत ही चले जाएंगे। ये क्या दोस्तों, ये समारोह स्थल बनाया गया है, यहाँ पे मनोज सिन्हा जी आएंगे और ट्रेन का उद्घाटन करेंगे। ये सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दोस्तों, आगे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि सिक्योरिटी है और मनाही भी है, वरना मैं आपको आगे से भी दिखाता। देखिए दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बनाया गया है और इसको स्टेशन को इस वजह से यहाँ पे भी बनाया गया है अच्छा सा, जिससे कि सीतापुर जंक्शन पर लोड कम रहे और ये माल गोदाम के साइड वाले ट्रैक पर जो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है वहाँ पे समारोह हो रहा है आपका। दोस्तों हो सकता है जो सीतापुर में माल गोदाम बना है या लखनऊ का जो माल गोदाम है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। तो ये दोस्तों देखिए, ट्रैक नंबर 4 पे खड़ा हूँ और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 1। देखिए दोस्तों, VIP और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बैठने के लिए अलग से स्थान बनाया गया है और प्रोजेक्टर की भी व्यवस्था है। दोस्तों देखिए, आगे कुर्सियों पर भीड़ भीड़ है, जबकि अभी जब रेल राज मंत्री आएंगे तो और भी भीड़ बढ़ने की संभावना है इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए। ये देखिए समारोह स्थान के पीछे का ये दृश्य है, यहाँ पे रेल राज्य मंत्री जी आएंगे इस साइड से और समारोह स्थल तक पहुँचेंगे। काफ़ी VVIP और VIP लोग भी आए हुए हैं। मैंने आपको जो निमंत्रण कार्ड दिखाया था वो, और मीडिया वगैरह भी सब खड़ी हुई है। देखिए दोस्तों, ये देखिए रेड कार्पेट वेलकम के लिए और जगह जगह पुलिस मुस्तैद। ये देखिए दोस्तों, खैर और काफी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। खैराबाद आवाज। देखिए दोस्तों, काफी भीड़ है यहाँ और काफी RPF CRPF और पुलिस मुस्तैद है यहाँ पे। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है स्टेशन पे हलचल भी बढ़ रही है। ये देखिए, धूप की वजह से मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों, काफी अंधेरा एकदम से लग रहा है। और ये यहाँ के सांसद जी हैं, काफी भीड़ है दोस्तों। यहाँ से देखिए स्टेशन का नज़ारा बहुत ही अच्छा बनाया गया है और सही भी है, सीतापुर जंक्शन पर इससे लोड कम रहेगा इस स्टेशन के बनने से और साथ में माल गोदाम के बनने से। देखिए दोस्तों, 4 ट्रैक हैं। तो दोस्तों अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मैंने चारों तरफ से लगभग आपको अपडेट देने की कोशिश की है और इस वीडियो में उस ट्रेन का उद्घाटन का वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैं आज अभी एक और वीडियो बनाऊंगा, उस ट्रेन में उद्घाटन का पूरा विवरण दिया होगा कि कौन सी ट्रेन कब आएगी और ट्रेन का भी साथ में। तो फिलहाल अभी के लिए दोस्तों धन्यवाद, ठीक है।